अबे भाई लो भाई इंजन भी खुल गया इसका तो। वेलकम टू एस प्राइम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए RC 125। दोस्तों और इस RC 125 के अंदर क्या हो रहा है, बाइक जो है कस्टमर का कहना है कि बाइक में चला रहा था और अचानक से गाड़ी बंद हो गई। अब हम देखेंगे इसके अंदर, ये जैसे कि आपको दिखा दूं मैं RC 125, ये देखिए ये जो बाइक जिसमें मैं बात कर रहा था आपसे, तो क्यों ना इसको एक बार आपको साउंड सुनाया जाए कि आखिर हुआ क्या है। तो चेक करते हैं इसको, चाबी को ऑन करते हैं और चाबी ऑन करते हैं मीटर में जो लाइट आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर जो है अपना चालू हो चुका है यहाँ पे। और अभी जो है इसके अंदर सेल्फ मारते हैं, ये देखो एक आवाज आ रही है खिट की, तो ये जो आवाज होती है नॉर्मल होती है बैटरी की। अगर इसके अच्छी आवाज आती है हमने सेल मारा और खिट करके एक आवाज आई है, तो इसका मतलब बैटरी जो है ठीक है या बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है। क्या करते हैं, यहाँ पे बैटरी को टच करते हैं और बाइक को स्टार्ट। पहले क्या करते हैं, इसके अंदर जो है बैटरी को टच करते हैं, यहाँ पे ये चाबी करते हैं ऑन यहाँ पे और मारते हैं सेल्फ। ये तो बहुत गंदी आवाज है, और इतनी गंदी आवाज है, ये देखो आवाज सुनो एक बार। और देखो पीछे बाइक स्मोक भी है, बाइक स्टार्ट के इंजन को खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये जो आवाज है कहाँ से है, इंजन का कौन सा पार्ट है इसमें जो डैमेज हो गया है जिसकी वजह से आवाज आ रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हम फेयरिंग खोल चुके हैं, अब ये टैंकी कवर खोलना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो इंजन ऑयल को खोलेंगे और यहाँ पे ये रहा इंजन ऑयल का नट, और सबसे पहले इसका इंजन ऑयल चेक करेंगे कितना निकल रहा है। तो खोलते हैं इसका नट, तो यहाँ पे जो है इंजन ऑयल निकल चुका है और मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये जो होता है ऑयल स्टैनर बोलते हैं इसके, इसमें क्या होता है जो हमारे अंदर का पार्ट होता है टूट फूटता है वो इसमें चिपक जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो ले आप देख रहे हो चमकीले चमकीले, यहाँ पे मैग्नेट है और ये अंदर का सारा पार्ट टूट के निकला हुआ है इसका। ये देखिए मैं आपको और पास से दिखाता हूँ, और ये देखो ये देखिए ये सारे के सारे इसमें जो पार्ट है अंदर इंजन के जो टूट फूट के गिरे हुए, देख रहे हो आप किस तरीके से, ये देखो ये सारा का सारा इंजन के पार्ट्स है। जैसे कि आप देख सकते हो जो बाइक का इंजन है यहाँ पे खुल चुका है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ एक बार, हमने खोल के कहाँ रखा हुआ है। तो इसके इंजन को भी खोल के हमने इस ट्रे में रखा हुआ है, ताकि जो इंजन ऑयल है जो इसके अंदर जो बचा हुआ इंजन ऑयल वो सारा इसी ट्रे के अंदर आराम से आ जाए। तो चलिए यहाँ पे खोल लेते हैं पूरे इंजन को और देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट डैमेज हुए हैं, क्योंकि जो आवाज़ थी वो पता लगे आवाज बहुत ज्यादा भयंकर थी। चलिए देखते हैं इसमें आखिर क्या हुआ इंजन के अंदर। लेकिन भाई ये देखो 125 cc का इतनी जल्दी इंजन कैसे खुल गया, आखिर इसमें दिक्कत क्या है ऐसी, और वो क्यों हुआ, किस कारण से, वो सारी चीजें इसके खुलने के बाद बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके हेड की, जो कि हमने हेड का डापा यहाँ से निकाल चुके हैं और बाकी जो इंजन का सामान वहाँ रखा हुआ है, इंजन का बैली पैन, कुछ क्लच मैग्नेट वगैरह सब चीजें हैं। तो ये देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके हेड की, तो यहाँ पे हमने हेड होल्डर के बोल्ट लूज कर लिए, तो इसे बाहर निकालते हैं हेड होल्डर को। तो ये देखो केम होल्डर जो है हमारे हाथ में, और यहाँ को डैमेज हल्का, ये देखो केम सीज मारा हुआ, देखो बाइक में ऑयल लगता है बहुत कम था, और जिनकी बाइक थी उनसे बात हुई थी, उनकी गाड़ी चलते थे अचानक बंद हो गई थी गाड़ी। अब निकालते हैं केम शॉप को, ये केम शॉप चेक कर लेते हैं, केम शॉप दिखने में ठीक है, बैरिंग वगैरह बाकी खोलने का पूरा चेक कर लेंगे इसको। और यहाँ पे जो रॉकर है वो यहाँ पे सब ठीक नहीं जा रहे हैं, और बाकी तो ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे हल्का निशान आ रहा है, ये देखो जा रहे हैं, ये जब आते हैं जब आपकी बाइक में इंजन ना चढ़ता हो तो। अबे भाई लो भाई इंजन भी खुल गया इसका, तो देख रहे हो भाई RC 125 अभी एकदम नई गाड़ी है, 2022 में लॉन्च हुई है, और 22 में इसका इंजन की हालत ऐसी हो गई है भाई, देख लो भाई हेड तक बाहर आ गया, पिस्टन की हालत देखो भाई कैसी हो रही है। ये जब भी होता है जब आप इंजन बाइक में नहीं डलवाते या फिर जगह जगह खराब इंजन यूज कर ले, तो ये देखो पिस्टन पे सीज के निशान है, और यहाँ पे जैसे कि आप देखते हो जो पिस्टन है हमने निकाल लिया है, और ये देखो उसकी पिस्टन की हालत देख सकते हो, बस ये समझे पूरा खत्म होने वाला था सीज, उससे पहले बंदे का इंजन पहले ही बोल गया। तो अब मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है, दिक्कत है वो इंजन के अंदर है, और इसके लिए हमें पूरे इंजन को खोलना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंजन है जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पूरा इंजन खोल चुका है, और मैं आपको बताऊंगा जो इसकी जो मेन दिक्कत थी वो कहाँ पे थी। तो सबसे पहले चैम्बर की आप हालत देखो, इस चैम्बर की ऐसी हो चुकी है जो सारा जो लेदर है कट के वो कहाँ फंसा हुआ है, ये देखो
ये दिख रहे हैं, सारे पार्ट टूटे हैं इसके इंजन के पार्ट, देख लो ये सारे पार्ट टूट के यहाँ कोने फंस गए और एकदम अच्छी तरह प्रॉपर जमा हुआ है ये देख लो। तो अब बात कर लेते हैं आखिर इसमें पार्ट कौन सा खराब है जिसकी वजह से पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। तो ये आपको जैसे क्रैंक असेंबली जो है, अब ये देखो इसमें पिले कितनी सारी है, देखो पिले ये देखो, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से समझ नहीं आ रही थी यहाँ बताता हूँ। ये पिले चेक करना इसकी, ये देखो ऊपर नीचे दिख रही है और एक आवाज भी आ रही है, आवाज सुनो उसकी कट कट की आवाज आ रही है। ऐसे क्रैंक जो है पूरी खत्म हो गई है, जो इंजन जो स्टार्ट नहीं हो रहा था ना वो वजह से नहीं हो रहा था, क्योंकि जो क्रैंक असेंबली है ये पूरी खत्म पड़ी है। ये देखो क्रैंक असेंबली जो बाहर निकाल के रखी हुई है, अब इसकी आवाज सुनो बेटा, इसकी आवाज सुना कैसे आ रही है, करंट चेक करो ये देखो, ये आवाज सुनो, ये देखो भाई क्रैंक पूरी खत्म हो गई इसकी, एकदम खत्म है ना, एकदम खत्म भाई। अब ये पिले चेक करो उसकी, कोई ऊपर नीचे अंदर अंदर बाहर अंदर बाहर, ये देखो आवाज सुनो, देख रहे हो कितने पिले है इसमें, क्रैंक खत्म हो गई। चलो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंजन के जो पार्ट थे वो धुल के यहाँ पे सारे तैयार रखे हुए, सारे के सारे चैम्बर आपको नजर आएगा, जो मेन चैम्बर धुल गया। और बात कर लेते हैं यहाँ पे गियरबॉक्स चैम्बर के अंदर फिटिंग है, तो चलिए इंजन ना पूरा प्रॉपर यहाँ पे क्लीन हो चुका है, जितना इंजन नट बोल्ट वगैरह सब क्लीन हो चुका है, सारे जैसे आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे फिट करते हैं सीधा इंजन को, और यहाँ पे जो इंजन है वो फिट हो चुका है, नई क्रैंक असेंबली है, नए बैरिंग के साथ लग चुकी है, MRP देख रहे हो क्रैंक असेंबली की, तो भैया KTM का पार्ट से जन्म है, और जो सी क्रैंक असेंबली है वो है यहाँ पे 3400 के आसपास की क्रैंक असेंबली है, और पुरानी क्रैंक देखो ये देखो पुरानी क्रैंक ये रही खत्म पड़ी है, ये देखो की है, और दो तीन उसमें डावल पिन वो यहाँ बैठ चुकी है। तो बात करते हैं इसके पिस्टन की, तो पिस्टन वो अलग से आता है और इसकी MRP कुछ होती है 660 रुपए के आसपास MRP है, और तो इसकी सिलेंडर कर लेंगे तो ये वो अलग से आएगी। पिस्टन देख रहे हो भाई क्या हालत बना दी थी, इतना सा पिस्टन भाई देखो, ये इतना सा पिस्टन है बता भाई 125 का, कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो ना भाई इसको 200 बना सकते हो इंजन के अंदर, कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको आना मेरे वर्कशॉप पे और मैं बताऊँ क्या खर्चा आएगा, आराम से 200 बन जाएगी, 125 की बॉडी में 200 का इंजन और स्टॉक फिटिंग, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना भाई। और यहाँ देखो इसका पार्ट नंबर है JG करके पार्ट नंबर है, जो KTM का आता है पार्ट नंबर JG से। तो चलिए अब ये यहाँ करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप जैसे तो जो इंजन है वो कंप्लीट हो चुका है, जो इसका सिलेंडर किट वो आपने देख ली बैठ गई थी, और आज हमने इसका हेड बिठा दिया, हेड को बिठा दिया है यहाँ पे, और टाइम इंजन इसमें लग चुकी है। तो चलिए इसको अब जो इंजन है वो लगने के लिए तैयार है बाइक के अंदर, चलिए इसको लगाते हैं सीधा बाइक के अंदर। फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो इंजन है बाइक में लग चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, और जैसी क्लच प्लेटें हैं वो यहाँ फिट हो चुकी है, जो हब सेंटर की दिक्कत थी वो भी खत्म, वो डाल दी इसमें नए, और यहाँ पे जो गैस्केट है वो डाल चुकी है इसमें नई। तो चलिए दोस्तों सीधा करते हैं बाइक को यहाँ फिट, और फिर सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा साउंड। और फाइनली दोस्तों जो बाइक है वो अपनी रेडी हो चुकी है, इंजन जो प्रॉपर टाइट हो चुका है, लग चुका है। तो चलिए यहाँ पे आपको सुनाते हैं बाइक का साउंड, जैसे कि आप देखो चाबियाँ ऑन है, और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बाइक हाफ सेल्फ में स्टार्ट, एक आवाज़ आ रही है आपने सुना होगा, वो जो इसकी सेल्फ की मोटर उसमें दिक्कत है, वो आवाज़ कर रही है खोदे चलने के बाद, या फिर वो थोड़ी इसको हो सकता है चेंज करनी पड़े। तो यहाँ पे जो बाइक है जिसका हमने बांधा है इंजन, और इंजन की जो हालत थी वो आपने देख ली थी, क्रैंक जो एकदम खत्म थी, सिलेंडर के एकदम खत्म पड़ी थी। तो यहाँ पे जब इसका साउंड सुनो पहले आप एक बार, एकदम सॉलिड एक साउंड आ रहा, जैसे ऑलरेडी स्टॉक गाड़ी का साउंड आता है वैसा ही साउंड आ रहा। और यहाँ पे जो बाइक है अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे चाबी को बंद कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ में इसको सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें, ताकि मेरी फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए।